नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद पहली बार क्षेत्र के करीब 65 वार्डों में 3700 करोड़ रुपए का शिलान्यास व कचरा संग्रहण वाहनों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, शहर के प्रथम महापौर घनश्याम गुर्जर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा व ज्वेलरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर सहित शहर के जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम कमिश्नर मनीष फौजदार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम में शहर के प्रथम महापौर घनश्याम गुर्जर ने प्रदेश सरकार के मंत्री टीकाराम जूली व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, नगर निगम बनने के बाद बजट में बढ़ोतरी होगी जिससे शहर का चौमुखी विकास होगा। वहीं मंच से भंवर जितेंद्र ने कहा, अलवर के पर्यटन को विश्व पटल पर एक अलग पहचान मिलेगी जिसके लिए पर्यटन मंत्री एक खाका तैयार किया है। वहीं मंत्री जूली ने शहर विधायक के प्रयासों को लेकर कहा कि जलकुंभी हटवाने से पानी नहीं आएगा, उसके लिए बड़ी योजना लानी होगी। इस काम के लिए केंद्र सरकार के समक्ष जाना होगा। जलकुंभी हटाकर बयान देते हैं, केवल बयान देने से भी पानी नहीं आने वाला है, जबकि कांग्रेस पानी लाने के प्रयास में जुटी है। साथ में एक अलवर की जो विकसित अलवर है उसके मास्टर प्लान की आपने बात की है, क्या बदलाव होगा, क्या अलवर में बदलेगा? देखिए, एक बहुत लंबे समय से एक मांग थी अलवर के अंदर, पिछले 20 साल से जब से मैं यहाँ से विधायक था, कि अलवर नगर निगम बनना चाहिए, क्योंकि अलवर की जो जनसंख्या बढ़ चुकी थी, भौगोलिक स्थिति से हम NCR के अंदर दिल्ली के नज़दीक थे। वो मांग इनकी पूरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनने बजट घोषणा करी और बजट घोषणा के कुछ ही महीनों बाद ये नगर निगम बन गया है। नगर निगम बनने के बाद इसके अंदर बहुत सारे नई योजनाएँ आएंगी, बहुत सारे जो इनका बजट है वो एक तरह से दुगना नहीं चौगना होने वाला है। यहाँ नई कर्मचारियों की भर्ती होगी, सफाई की व्यवस्था होगी, एक तरह से अलवर को भी जो बड़े बड़े शहर हैं पूरे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, उसके अंदर इनको गिना जाएगा। 1.5 साल से एक सिविल की पड़ी थी, आपके आते ही आज पूरी हो गई, मतलब अमली जमा पहले से ही तैयार था, क्या बात है? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 185 करोड़ की सेवरेज लाइन की जो योजना है उसके टेंडर हो चुके हैं, जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब मैं केंद्रीय मंत्री होता था यहाँ, जो लगभग 300 और 400 करोड़ की जो अलग सीवरेज लाइन को आगे ले जाने के लिए, रामगढ़ रोड पर ले जाने के लिए कि वो थी, वो योजना भी सैंक्शन हुई थी और वो बनके तैयार हो गई है। लेकिन अभी हम एक सपना देखना चाहते हैं कि अलवर के अंदर एलिवेटेड रोड बने, अलवर के अंदर टूरिज्म बढ़े और एक तरह से जिस तरह से प्रगति मैदान है, जवाहर के अंदर कला केंद्र, इस तरह का एक हमारे पास स्थान होना चाहिए जहाँ परफॉर्मेंस के लिए भी, कलाकारों के लिए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं इनके एग्जीबिशन के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण हार्ट के तर्ज पर एक बहुत बड़ा एक हम प्लान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों के अंदर उसके भाई सैंक्शन कर उस पर चालू हो जाए। इसमें नगर निगम बन गया, डेवलपमेंट हो रहा है, जो रेटिंग है लेकिन हर वर्ष गिरती जा रही है, सफाई के मामलों को लेकर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, सारे पार्षद परेशान है। देखिए, जहाँ तक रोशनी की व्यवस्था की मुझे बताया गया है कि उसके सारे काम अब टेंडर और ये सब चीज़ें हो गई है और बहुत जल्दी उसके ऊपर शुरुआत हो जाएगी। अगले हफ्ते तक आप मेरे से बाइट लेने आएंगे तो ये मेरे से सवाल आप नहीं पूछेंगे, जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक रेटिंग की बात है, आप देखिए, आज लगभग 25 टिपर की आज शुरुआत हुई है, इसके साथ नई मशीनें आने वाली है, आधुनिक मशीन आएंगी जो यहाँ सफाई करेंगे, तो एक अभी शुरुआत हुई है। अभी नगर निगम की हम चाहते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग बने, तो ये एक डेवलप होता है नगर निगम, बिल्डिंग बना रहे नहीं, ये तो नगर परिषद और वहाँ के माननीय पार्षद और वहाँ के चेयरमैन मेयर साहब ये सब बैठ के तय करेंगे। लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये पुराना सूचना केंद्र है, इतनी सुंदर जगह है, यहाँ काफ़ी हरियाली है, पार्किंग की व्यवस्था है, अगर इसको भी वो कंसिडर करें तो अच्छा स्थान हो सकता है, बाकी उनको तय करना है। अच्छा, आपने कहा विकास के मुद्दों पर राजनीति हो रही है, उससे जनता प्रभावित होती है, जिम्मेदार क्या कौन लगता है आपको? क्योंकि आपके ही देखें तो आपके मनोनीत पार्षद ही नजर आए, कांग्रेस के अधिकांश इस्तीफा दे रखा है। देखिए, मेरा मानना ये है कि राजनीति के अंदर विकास के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से राजनीतिक स्तर नीचे गिर रहा है, सिर्फ हम अलवर की बात नहीं करें, प्रदेश की बात है, देश की बात है, कि जिस तरह से हम आज जिस तरह से जनता हमें वोट देके जिताती है और जो मूल कार्य के लिए जो जिताती है वो मूल कार्य तो हम भूल जाते हैं और हम अपनी जो कोई विचारधारा है, हम अपनी जो कोई अलग सोच है उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, जनता परेशान होती है। आपने देखा कि आज का जो कार्यक्रम था इसमें सभी 65 जो पार्षद हैं, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे निर्दलीय हो, अन्य पार्टी के लोग हों, उनको बराबर रूप से कार्य हुआ है। मैंने हरदम प्रयास किया है कि
राजनीति हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हम उसके बारे में अलग बाइट दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्यक्रम करते हैं, धरना करते हैं, ये सारी बात हम करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आ जाती है तो उसके अंदर कोई बात विकास की बात आती है तो कोई उसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा हरदम मानना है। कि भाजपा के मेयर बैठे नहीं, नहीं देखिए हमारे माननीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिकांश पार्षद यहाँ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश पार्षद मौजूद हैं, जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि उनके सभों के वार्डों में काम हो रहा है, उन सभों को यहाँ आज खुशी के अवसर है उनके लिए, उनके वार्ड में जो उनकी मांग उनने उठाई थी, जो उनने प्रयास किया है, ये सारा जो काम हुआ है ये माननीय पार्षदों के प्रयास का ही नतीजा है। मेयर अच्छा काम कर रहे हैं शहर में, ये तो देखो जनता बताएगी, पार्षद बताएंगे कौन कैसा काम कर रहा है। अभी तो देखिए, अभी मेरे ख्याल से चंद दिन हुए हैं, चंद हफ्ते हुए हैं कि यहाँ कार्य शुरू हुआ है नगर निगम का, यहाँ बहुत सारे कार्य करने की ज़रूरत है। नगर निगम को बनने में ही कम से कम 1 और 1.5 साल लगेगा, जो पूर्णतः हम मानते हैं, जो हमारी सोच है नगर निगम की, उसको डेवलप होने में भी समय लगेगा। एक सब पानी को लगातार सूख रहे हैं, उनको रिचार्ज करने के बारे में किसी ने सोचा है? उसको रिचार्ज करने के बारे में किसी ने सोचा है क्या? अभी पर शहर की जनता नहीं, शहर की जनता को यहाँ सभापति बीजेपी के हैं, यहाँ विधायक बीजेपी का है, यहाँ सांसद बीजेपी का है, मंत्री तो कर ही रहा है, मंत्री ने तभी 6 करोड़ रुपए लगा के हम तो जय संबंध में पानी लेके आए। अभी 10 बोरी को दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पार्षद हैं, आपने 2 दिन पहले प्रोग्राम में कहा 19 पार्षद थे फिर भी मैंने कांग्रेस सभापति बनाया, लेकिन भाजपा के सभापति हैं, उनको दिक्कत है कि देखिए अभी जो देखिए कोर्ट की जो प्रक्रिया है जिस प्रकार से है उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए सभापति कौन बैठ रहे, जो नियम में है वो बैठ जाएगा, इसमें अपन ये कहें कि इसको बैठाएं उसको बैठाएं। देखिए हर आदमी अपनी कुछ इच्छाएं पाल लेता है जिसकी वजह से फिर उसको जो हकीकत है वो दिखाई नहीं देती। मैं ये कहना चाहूँगा हमारा राज है लेकिन शहर के अंदर जनप्रतिनिधि अगर पार्षदों की संख्या भी देखेंगे तो 2/3 से ज़्यादा बीजेपी के पार्षद हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं? ये जो सवाल आप हमसे पूछते हैं मैंने पहले भी कहा है, ये बीजेपी के लोगों से पूछो, सांसद जी से पूछो कि ERCP क्यों नहीं आ रही, विधायक जी से पूछो कि उन्होंने MLA कोटे से कितने वाटर हार्वेस्टिंग के काम कराए हैं, कितने लोगों को मोटिवेट किया है, कितनी बिल्डिंगों का उन्होंने निरीक्षण किया है, आज शहर के अंदर इतने कुएं हैं बावड़ी हैं जिनको अगर हम वाटर रिचार्ज करने की सोचें तो सरकार सारे काम सरकार देखिए फिर सरकार के ऑफिसों में वाटर फिर ये इस्तीफा दे के घर बैठ जाए, ये दोनों लोग इस्तीफा दे के घर बैठ जाए सरकार करा देगी। जितेंद्र सिंह जी हैं और मंत्री आप हैं, नहीं हम करा रहे हैं आपको ये चीज, देखो ये उन पे बात नहीं, बात ये होनी चाहिए आपने जनता को पानी मिले, सुनिए ने कहा कि राजनीति नहीं करे विकास के मुद्दों पर और आप कह रहे हैं कि दूसरे कर रहे हैं, इसलिए नहीं ऐसे नहीं, आप बात सुनिए, जो एक मंत्री का जो कैडर है राजस्थान सरकार का जो कैडर है वही तो हम लोग करेंगे, पार्षद का काम मंत्री थोड़ी करेगा, जो यहाँ का लोकल विधायक है उसका काम मंत्री थोड़ी करेगा, हम बड़ी योजनाएं सैंक्शन करा रहे हैं, ERCP राजस्थान सरकार कर रही है, नंगलाचारण के अंदर हम 50 बीघा जमीन हमने अलॉट कर दी है, नवनेरा बांध का काम आधे से अधिक पूरा हमने कर दिया है, 23,000 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने दे दिया है जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है, 25 लाख रुपये मेनर भंवर साहब ने हमारे कोटे से दिए हैं, 4.5 करोड़ रुपये एक बार 12 वीयर के लिए दिए हैं, 2.5 करोड़ रुपये अब हमने 12 वीयर के लिए दिए। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, देखिए सारी चीज़ हम सरकार पे डाल दें वो चीज़ इस लाइब्रेरी के लिए भी। धन्यवाद।